वन ऑफ़ दी मोस्ट कॉमन सॉल्ट जो होती है वो एन होती है इसलिए इसको कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं अब हम ये पढ़ेंगे कि एन से हम कैसे एन बना सकते हैं जो कि एक अनदर सॉल्ट होती है एन को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है तो अब हम ये पढ़ेंगे कि हम एन सॉल्यूशन से कैसे एन बना सकते हैं तो इसके लिए बहुत सिंपल है इसके लिए अब हमें दो इलेक्ट्रोड्स लेने पड़ेंगे एक को हम कहेंगे एनोड दूसरे को हम कहेंगे कैथोड और इसको हम डिप करेंगे एनएसएल सॉल्यूशन में जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं तो दो इलेक्ट्रोड्स को हमने ब्राइन सॉल्यूशन में डिप कर दिया अब इसको हमने एक बैटरी के थ्रू जॉइंट कर दिया अब जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी इस पूरे सेटअप में वैसे ही एन जो है वो ब्रेकडाउन होके वाटर के साथ जब वो रिएक्ट करेगा सॉल्यूशन जब हम उसका बनाएंगे तो एन जो है ब्रेकडाउन हो के सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बना देगा प्लस क्लोरीन गैस प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट करेगा हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पे लिबरेट करेगा और क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पे लिबरेट होगी हाइड्रोजन गैस गय कैथोड पे इसलिए लिबरेट होगी क्योंकि हाइड्रोजन जो है उस वो पॉजिटिव साइन का होता है और पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है क्योंकि कैथोड नेगेटिव साइन का होता है इसलिए हाइड्रोजन जो है वो कैथोड की ओर पे लिबरेट होगा और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव साइन का होता है इसलिए वो पॉजिटिव साइन एनोड पे लिबरेट होगा और जो एन ए ओ एच सोल्यूशन है वो कैथोड पे जमा हो जाएगा कैथोड पे जमा होकर कैथोड से निकल कैथोड के साइड से निकल के बाहर आ जाएगा ब्राइन सॉल्यूशन के साथ तो इस तरीके से जो है एन एस सी एल ब्रेक डाउन हो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और इस पूरे प्रोसेस को एक मिनट इसको रब कर देते हैं और इस पूरे प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है क्लोर एल्कली इसलिए क्योंकि क्लोर क्लोरीन जो है वो लिबरेट हुई थी एनोड पे जैसे मैंने पढ़ाया और एल्कली एन एच लिबरेट हुआ था कैथोड पे। तो इसलिए इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं अब आपके सिलेबस में नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर तो अब, अब हम पढ़ेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो बनाया जाता है सी ए ओ एच जिसको हम ड्राई स्लेग लाइम भी कहते हैं उसको हम सी एल टू ये सी एल टू ये क्लोरीन गैस वही है जो पिछले रिएक्शन में जो हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस बना आ, पड़ा था जिसमें हमने NaCl सी एल से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया था उस प्रोसेस से जो सी एल टू जो क्लोरीन गैस लिबरेट होती है उस क्लोरीन गैस को इधर यूज किया जाता है उस क्लोरीन गैस को इधर स्लेग्ड लाइम ड्राई स्लेक्ड लाइम से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाई जाती है जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर के काफ़ी यूजेज़ होते हैं ब्लीचिंग पाउडर जो है वो क्लोथ्स डर्टी क्लोथ्स को वॉश करने में और यूटेंसिल्स को वॉश करने में ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है तो ये सारी चीज़ें हैं अब नेक्स्ट सॉल्ट हम पढ़ेंगे जो है बेकिंग सोडा जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एन को हम सिंपली कॉमन सॉल्ट एन को कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस अमोनिया के साथ रिएक्ट करके बना सकते हैं तो जब हम कॉमन सॉल्ट एन सी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एच टू ओ प्लस अमोनिया को रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन हो जाती है प्लस अमोनियम क्लोराइड की भी फॉर्मेशन हो जाती है अब अमोनियम क्लोराइड हमारे काम का नहीं है प्लस अमोनियम क्लोराइड की भी फॉर्मेशन हो जाती है अब अमोनियम क्लोराइड हमारे यहाँ पे काम का नहीं है हमारे काम का सिर्फ एन है तो इस तरीके से इस रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है अब इसमें एक और रिएक्शन है आपके सिलेबस में जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीट की प्रेजेंस में डी होके सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट फॉर्म कर देता है प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करता है अब हम पढ़ेंगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा है हम इसको कैसे एज अ बेकिंग पाउडर भी यूज कर सकते हैं तो अब इसमें हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा इसमें मैं एचियएल के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एच के साथ रिएक्ट करके सी ओ टू लिबरेट करेगा प्लस एच टू ओ प्लस सोडियम सॉल्ट जो एसिड की होगी उसके उस वो बनाएगा तो इसमें जो ये कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी ये जो है वो आपके केक या पेस्ट्री को फ्लफीनेस या सॉफ्टनेस कह सकते हैं वो प्रोवाइड करेगी जिसकी वजह से ये जो है सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेकिंग सोडा है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके एज आ बेकिंग पाउडर यहाँ एक्ट करेगा इस तरीके से तो अब नेक्स्ट हम वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से बनाया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट से डिकम्पोज किया जाता है तो वो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करता है तो इस रिएक्शन में हम सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराएंगे टेन एच टू ओ से हीट आर, हीट के प्रेजेंस में हम इसे रिएक्ट कराएंगे मतलब एक तरह से हम टेन एच टू के साथ सोडियम कार्बोनेट को हीट करेंगे और फिर हमें एन ए टू सी ओ थी टेन वाटर ऑफ क्रिट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिल जाएगा जिसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं इस प्रोसेस को हम रिक्रिस्टलाइजेशन कहेंगे क्योंकि इसमें हमने एक तरह से सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज कराया उसको एक क्रिस्टल कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में बनाया है और इस टेन एस टू ओ जो ये ऐड हुआ है इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये होता है कि ये वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो इस क्रिस्टल कॉम्प्लेक्स जो बना है सोडियम का उसमें प्रेजेंट ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं पर ये डायरेक्टली इस सोडियम के साथ कभी भी इंटरेक्ट नहीं करते हैं तो इसलिए इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं तो इस तरीके से हमें वॉशिंग सोडा मिल गया तो प्रीवियसली हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ा तो अब हम एक ऐसे सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है और इसका नाम होता है जिप्सम जिसका फॉर्मूला होता है सी एस ओ फोर और टू एच टू अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की एक बात होती है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को जब भी हीट किया जाता है किसी भी क्रिस्टल सॉलिड को कभी भी जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो उसको कभी भी अगर हीट किया जाता है तो वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज़ कर देता है तो ऐसा ही इसके साथ भी होता है जिप्सम के साथ जब इसे हीट किया जाता है 373 सेवेंटी पर तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अपना थोड़ा लूज़ कर देता है और ये एक ये वाला सी एस ओ फोर हाफ एस टू ओ है जिसको हम कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट हैमीहाइड्रेट कहते हैं यह कॉमनली इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है जिसको डॉक्टर्स फ्रैक्चर को रिपेयर करने के लिए लगाया जाता है कभी भी हड्डी टूटती है तो फ्रैक्चर में जो लगाया जाता है प्लास्टर वो यही होता है जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना ये जो है एक वाइट पाउडर का होता है वाइट पाउडर होता है वाइट पाउडर की फॉर्म में होता है अब इसमें जब हम अगेन वाटर इसमें मिक्स करेंगे तो ये वापिस से अपना वाटर गेन करके वापस से अपने क्रिस्टलीन फॉर्म में आ जाएगा और एक सॉलिड मास बना देगा तो वापस से ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब एक सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस को डॉक्टर जो हैं वो पैर, वो फ्रैक्चर को रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं इसी के साथ आपका जो चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है वो ख़त्म हो चुका है तो आई होप आपको सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो देन यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो